हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप न्यूजीलैंड वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं कितना टाइम लगता है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। देखिए स्क्रीन पे लिखा क्या है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू प्रोसेस एन एप्लीकेशन, मतलब कोई भी हो। देखिए यहाँ लिखा भी है, विजिटर हो, स्टूडेंट हो, वर्क हो, या दूसरा टाइप का कोई वीज़ा हो, या फिर आपका न्यूजीलैंड ETA भी हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ETA मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। ठीक है, अब देखिए ऑफिशियल साइट है immigration.government.nz, आपको इस पर आना है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू प्रोसेस एन एप्लीकेशन पे आ जाना है। अब देखिए अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना था इसलिए मैं मेन मुद्दे पे आऊँगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप नीचे आते हैं पढ़ने के बाद, तो यहाँ पे इन लोगों ने पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए आपका एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग हॉलीडे वीज़ा, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, अदर वीज़ाज, ये देखिए। तो अब सबसे पहले अगर जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा है, देखिए इन्होंने क्या लिखा है, वी एम टू प्रोसेस स्ट्रेट फॉर एप्लीकेशन, 10 दिन में आपका वीज़ा लग जाता है। 10 वीकडे मतलब सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, तो समझ लीजिए आपने मंडे को अप्लाई किया तो मंडे टू फ्राइडे हो गया आपका 5 दिन, और 4 दिन और 5 दिन और पकड़ लीजिए, तो मतलब आपको फ्राइडे तक, वो नेक्स्ट फ्राइडे तक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जब देखिए ऑन एवरेज वी प्रोसेस एम्प्लॉयर 4 वीकडेज, कभी कभी 4 दिन में भी आता है 4 वीकडेज। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, जॉब चेक्स भी करते हैं ये लोग, ये इनका मतलब क्या क्या तरीका है, मैं उस पर डिटेल में जाऊँगा। विजिटर वीज़ा देखिए, अगर आप टूरिस्ट बन के जा रहे हैं तो कितना है, 20 दिन में हो जाता है, लेकिन एवरेज क्या है, कभी कभी 9 दिनों में भी हो जाता है। मतलब समझ लीजिए आपका पासपोर्ट क्लीन है, आपको कभी डिपोर्ट नहीं किया गया, आप पहले भी घूम चुके हैं, तो 9 दिन के अंदर अंदर आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है। फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप अगर विजिटर वीज़ा लेके जाते हैं न्यूजीलैंड, आप उसको वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है फ्रेंड्स, आप मेरे व्हाट्सएप पर आइए, मैं आपको बता दूंगा, पूरी जानकारी आपको मुफ्त में मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना था मैं। अब देखिए स्टूडेंट वीज़ा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या है, 30 दिन में हो जाता है, लेकिन अगर भाई जैसे बताया मैंने आपको रिकॉर्ड सही है तो 19 दिन में होता है। देखिए 30 दिन भी बहुत कम है फ्रेंड्स, बहुत कम है। अब देखिए वर्किंग हॉलीडे वीज़ा है, ये भी देखिए कितना होता है, इन्होंने बोला है कि 3 दिनों में हो जाता है ये। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी लेना है, ये तो ऑनलाइन है फ्रेंड्स, तो ये आपको 72 घंटे में मिल जाता है। अब देखिए इन्होंने एक पूरी यहाँ पे कॉलम बनाई हुई है कि कैसे होता है, ये देखिए अगर आपको PR लेना है, ठीक है, तो 16 वीकडे में हो जाता है, मतलब 16 दिनों में हो जाएगा PR, अगर आपका सब कुछ क्लियर है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको रिकमेंड किया है तो PR भी आपको मिल जाती है। देखिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स और भी है, मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा, आपको जानना है तो आप इस पर लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है आपको, immigration.government.nz पे आना है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू प्रोसेस एन एप्लीकेशन। फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ जानकार बनिए, खुद पढ़िए, खुद पढ़ेंगे। अगर आप ये सोचेंगे नहीं नहीं चलिए मैं तो यार कुछ नहीं है ऐसे, मैं दूसरों, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आपको समझ लीजिए किसी और ने भेज भी दिया तो अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं तो आप पकड़े जाएंगे ना, पकड़े मतलब आपका जो नॉलेज नहीं होगा वो कहीं ना कहीं आपके मतलब दुख का रीज़न बन सकता है, आपको कहीं मतलब घाटा हो सकता है। ठीक है, इसलिए पढ़िए पढ़िए, पढ़ते रहेंगे, सिंपल इंग्लिश में लिखा है, आपका ही फायदा होगा। कोई डाउट है आपका भाई बैठा है, अपने भाई से पूछिए। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस।